अब इंतजार हुआ खत्म, टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आ रही है आपके शहर टीचर्स द्वारा फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस पाने के लिए। मिले हमसे इस सोमवार 11 अप्रैल सुबह 11 बजे मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें अथवा कॉल करें 8750508840 पर। अब इंतजार। Hi guys, very good morning, अभी good afternoon नहीं हुआ है। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और आज का जो हमारे लिए न्यूज़ आई है, हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही ताज़ा खबर आई है अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए, तो आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाए और बिना किसी देरी के एक बात को देख लिया अच्छे से कि अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए एक एडवर्टीजमेंट मतलब एक न्यूज़ आई है जिसमें बोला गया है कि जो TGT ग्रुप बी के लिए एप्लीकेशंस हैं वो निकल गई है जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब ये क्या न्यूज़ है, क्या बताना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं, हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं आपके साथ ही, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर से आई है ये जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। इसमें बोला गया है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इन्वाइट करते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल चुके हैं, आ गए हैं TGT ग्रुप बी नॉन गजेटेड डिटेल, उनके लिए डिटेल्स है। अब बोला क्या क्या गया है TGT वालों के लिए, ध्यान से देखना कि जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने पूरा पोस्ट किया है ये आप लोगों के लिए। पे स्केल भी बता रखा है इसमें, जो पे स्केल है आप लोगों की लेवल 7 के लिए ग्रुप बी, आप लोग उसे चेक कर लेना नोटिफिकेशन को, ठीक है। 44,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 44,900 से 1,42,000 तक जाएगी इसमें जो पे स्केल है। नंबर ऑफ पोस्ट देखो भाई, इंग्लिश के लिए जो मुझे TGT वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट दिख रहा है वो है 22, ठीक है, ध्यान से देखो। और मुझे रिजर्व सीट्स दिख रही हैं इसमें 17, रिजर्व्ड PW सीट है इसमें 1 डिसेबिलिटी वालों के लिए और अनरिजर्व्ड है इसमें 4। हिंदी के लिए ऐसे मुझे पोस्ट दिख रही है 22, पॉलिटिकल साइंस के लिए 11 है, ज्योग्राफी के लिए 17 है, इकोनॉमिक्स के लिए 11 है, हिस्ट्री के लिए भी 11 है, मैथमेटिक्स के लिए भी 11 है, 21 है मैथमेटिक्स के लिए। तो भाई इसमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा पोस्ट दिखाई दे रही है ना वो फिजिक्स के लिए दिखाई दे रही है, 69 पोस्ट आ देर नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं देखूं। उसके बाद मुझे केमिस्ट्री में दिखाई दे रही है TGT पोस्ट के लिए 43 पोस्ट आ देर। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इंग्लिश हिंदी में इक्वल है, उसके बाद हिस्ट्री में मुझे दिख रही है, और बाकी अगर हम बायोलॉजी की और एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसमें जो है 16, 9 और 7 सीट्स हैं इत्यादि। रिजर्व सीट्स जो है उसमें भी अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो 53 सीट्स पोस्ट आर रिजर्व्ड, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ही इसमें फिजिक्स का आंकड़ा है, फिर केमिस्ट्री का आंकड़ा है, तो क्रमांकित रूप से चल रहा है। अब एज क्या क्या है, कैंडिडेट जो है 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं, और आप 33 साल से ज़्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए हो। डेट क्या है, किस डेट के अनुसार है ये, 13 मई 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन है 5 साल का APST वालों के लिए, दूसरे 5 साल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाएगा, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद इस न्यूज़ में ना काफ़ी कुछ बोला गया, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सेकेंड क्लास बैचलरेट डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है, यानी कि रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से BEd आपका होना चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए कंपल्सरी है। कैसे अप्लाई करें, आप लोग APPSC अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे www.appsc.government.gov.in, इस पर जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप रजिस्टर करोगे, आप फ़ी पे करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की, आप सबमिट करोगे, फ़ी पे करके एप्लीकेंट का जो है सिग्नेचर मांगा जा रहा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगी जा रही है, फाइनल ईयर का जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो आप अपने कॉलेज से बनवाएंगे, रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ मांगी जा रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, अपनी 12th की आप लोग सर्टिफिकेट और मार्क्सशीट देंगे, बैचलरेट के लिए मार्क्स देंगे आप अपना, जो भी बीएड का एग्जाम हुआ है बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास में आधार कार्ड ऑफिशियल आपकी जो सिटीजनशिप है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी जो है कुछ बात की गई है कि आपके पास में Paper 1 है और Paper 2 है, ठीक है। 100-100 नंबर का Paper 1 जनरल इंग्लिश है, तो क्या हम इंग्लिश को भुला सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। Paper 2 में मुझे जनरल नॉलेज दिखाई दे रही है, तो कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं आपके इस तरीके से। उसके बाद आपका वाइवा भी होगा इंटरव्यू में, क्लासरूम टीचिंग आपकी जो है
पूरी नॉलेज टेस्ट होगी 50 नंबर की। उसके बाद आप जो है कमीशन अथॉरिटी जो है अपना सब्जेक्ट, अपना जो है कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टीचर चूज करेंगे। तो सरकारी नौकरी लगने के लिए TGT के लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका है, सुनहरी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 200 रुपये है। दूसरे एप्लीकेंट्स के लिए जो APSC वाले अरुणाचल प्रदेश के हैं तो उनके लिए 150 रुपये फ़ी है। तो 50 रुपये की आपको मुफ्त छूट दी गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्विस वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और लास्ट डेट है इसकी 13 मई 2022, और इसी डेट के अनुसार अपनी एज देख लीजिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रही हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Yes, sir.